वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ओके, हम आ गए हैं आपके आमने सामने और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सभी, और देती हूँ दुआ खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। ज़िंदगी में बहुत सारी फेजेस हमें देखने पड़ते हैं, अप डाउन और नाकामियाँ, कामयाबियाँ, ये सब स्टेप बाय स्टेप हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। बस हमें यहाँ से मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि हमें उसको हैंडल कैसे करना है। हो जाता है, अप डाउन होता है, थोड़ा कम कुछ ज़्यादा, अल्लाह पाक बहुत देता है, कभी ले लेता है, वो आजमाता है, प्यार करता है और फिर हाँ उसी डगर पे हम आगे रवा दवा होते हैं। ये ज़िंदगी की बाग दौड़ है। बहुत सारे लोग अपना बिजनेस भी करते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। ऐसा नहीं है, जो लोग अपना बिजनेस करते हैं वो ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़ते हैं उनको, क्योंकि उनको अपना ब्रांड नेम इन सब को मैनेज करना पड़ता है, और फिर घर, फिर फैमिली, फिर एम्प्लॉयज़, फिर अपना लाइफ स्टाइल, फिर पैसों की कमी, कभी ज्यादती कैसे हैंडल करना है, फिर कुछ ऐसी ज़िंदगी की जो कभी कभी हमारे ऊपर ऐसे बर्डन बढ़ जाता है, उस वक्त हमें बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ता है और तब जाके हमारा नाम और हमारा वक़ार बनता है। ये सिर्फ थोड़ा सा थिंकिंग और अल्लाह पे तवक्कल। लेट्स सी, ये तो छोटा सा मैसेज, आप आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। अच्छा जी, आज हमारे दरमियान, क्योंकि वैसे तो फ्राइडे को मैं ऐसा कोई सेगमेंट नहीं करती, लेकिन क्योंकि हमारे गेस्ट हैं, ऑफ कोर्स हमारे सारे पाकिस्तान में डिफरेंट जो है प्रोविंसेस में, कुछ सिटीज़ में लोग रहते हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद में, डिफरेंट जगहों पर रहते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनके पास थोड़ा टाइम कम होता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको अपने मॉर्निंग शो में ज्वाइन करें। तो आज यहाँ पर एक बड़े ज़बरदस्त पर्सन मौजूद हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम, अपने खूबसूरत से ब्रांड को लेके चल रहे हैं, कलर कॉस्मेटिक्स को, और 10 साल से ज़्यादा अरसा हो गया अपने ब्रांड को लेके चलना बड़ी बात है। कहते हैं कुछ लेना आसान है, उसको मैनेज करके चलना बड़ा मुश्किल है, और ख़ास तौर पे जो ब्रांड ख़वातीन से रिलेवेंट हो उसको लेके चलना तो भाई बड़ा एक कहते हैं बड़े जिगर का काम है। लेट्स सी, हमारे इधर मैंने एक बहुत ही प्यारे से भाई मेरे यहाँ पर मौजूद हैं, आबिद शहजाद, CEO गैलेक्सी कलर कॉस्मेटिक से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। क्या बात, आखिरकार मैंने भाई को बुलवा लिया। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत टाइम से मेरा आपसे, क्योंकि जाहिर सी बात है आई एम ऑल्सो बिलोंग टू ब्यूटी इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन भी है PBI, फिर आपका भी मेरे साथ इंट्रैक्शन रहा, तो आप ये बताएं कि क्या थिंकिंग आई कि मैं एक गैलेक्सी कलर कॉस्मेटिक, नाम भी बड़ा खूबसूरत गैलेक्सी टाइप का, तो ये कहाँ से थिंकिंग आई 10 साल पहले, कैसे सोचा, कैसे आगे बढ़े और आज माशाल्लाह अपना एक बड़ा सा ब्रांड नेम बना दिया? जी असल में, दरअसल मैं पहले किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा था स्टार्टिंग में, तो मैं किसी मार्केट में गया तो वहाँ पर किसी और कंपनी के शेडो थे, तो वो मैंने देखे कि कुछ लेडीज़ उसको हाफ से भी हाफ परचेज कर रही हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये इतना क्या है इसमें जो इतना हाफ एक शॉपर में अलग डाल रहे हैं, वो डिब्बी अलग है। वो कहते हैं कि ये शेड है, इसकी रेट अच्छा अफोर्ड नहीं कर सकते वो इतना, तो इसलिए कुछ लेडीज़ हमसे इतने की थोड़ी सी मकदार में ले लेते हैं। अच्छा। तो उस दिन से मेरा एक माइंड बना, मैंने कहा मैं अपने पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला इसी मुताबिक एक प्रोडक्ट इससे भी बेहतर बनाऊंगा और वो प्राइस रखूंगा जो कि हर फैमिली, लेडीज़, आम ब्यूटिशन, स्टूडेंट परचेजिंग आसानी से कर सके उसको। तो अल्लाह का शुक्र है, मेरी नीयत साफ थी, मैंने उसके ऊपर स्ट्रगल की, मैंने कोशिश की, तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने, मैंने एक प्रोडक्ट सोची थी, आज अल्लाह पाक ने मुझे उसमें 8 प्रोडक्ट दिए जो मैंने अपने हाथों से मैं तैयार करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस ब्रांड को भी चैलेंज करता हूँ, पूरे पाकिस्तान में हमारी एक प्रोडक्ट है उसके मुताबिक जितने भी उसमें कलर है उसके सारे कलर मेरे अपने हाथों से बनते हैं। ओए, तो यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। तो इसकी जितनी भी मैन्युफैक्चर की जो जो स्टार्टिंग चीज़ें मैं हायर करता हूँ वो सारी मैं अपने माइंड से शुरू करता हूँ, फिर आगे पैकिंग में प्रोसीजर में लड़कों के पास चली जाती है। तो फिर अल्लाह का शुक्र है मैंने इसके ऊपर काम किया और आज अल्लाह पाक ने मुझे उसका सिला भी दिया। तो बाकी ये मैं नहीं कहता कि मेरी चीज़ है, मैं उसकी बहुत तारीफ करूँ, ये लोग खुद उसको अप्लाई करते हैं तो उनको भी पता है, और सामने चीज रख कर मैं मेरिट पे बात करता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र। आपकी कॉस्मेटिक्स में इनिशियली जैसी बात आपको पता, कुछ खास चीजें होती हैं जो
यूज की जाती, कुछ नहीं भी हो तो इट्स ओके। आपने कौन सी चीजों को ज्यादा फोकस किया और कौन सी चीजें प्रेजेंट हो चुकी हैं आपकी? देखिए मैंने लाइक होता है ना बेस, और क्या क्या चीज है? मैंने पहले सिंगल आई शेडो होता है वो उसको ऊपर काम किया था, फिर उसके ऊपर मैंने ग्लिटर शेड जो कि डिमांड बहुत थी पाकिस्तान में लेकिन यहाँ नहीं था किसी के पास, उसके ऊपर मैंने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी नंबर वन पे किया। फिर उसके बाद हाइलाइटर डस्ट डायमंड की जो ना वो भी डिमांड थी, वो अक्सर लोग बाहर से परचेज करके आते थे और डॉलरों में बढ़ती थी। तो यहाँ पर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे हाथ में वो हुनर दिया, मैंने यहाँ जब वो अप्लाई किया और जितने बाहर से यूज़र थे लेने वाले जब उनको ये चीज़ों का पता चला तो उन्होंने ये चीज़ यूज़ की, इस्तेमाल की, उसके बाद उन्होंने बाहर की कोई चीज़ नहीं की। ये दावे से कहता हूँ, बड़े बड़े ब्यूटिशन हैं नामवर तो वो अल्हम्दुलिल्लाह ले रहे हैं हमसे, क्योंकि सब चीज आती है क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपने मतलब क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? अच्छा सर, आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, मैं ये कह सकती हूँ? हाँ जी, मैन्युफैक्चर जो भी होता है वो मेकअप आर्टिस्ट भी होता है, क्योंकि असल मेकअप आर्टिस्ट ही वही होता है। वो जाहिर बात है चीज ब्लेंड करना, कलर कॉम्बो लेना, वो भी देख रहे हो आपके हाथ रंगो रंग हुए हैं। अच्छा जी, आप लोगों ने नाजिम मेरे साथ रहना है और इनका नंबर भी अभी स्क्रीन पर आप देखेंगे और हम अभी बाकायदा इसका डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, एक एक प्रोडक्ट को एप्लीकेशन उसकी बताएंगे कि और सर खुद उसको ब्रीफ करेंगे। हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एंड कलर कॉस्मेटिक्स क्लैक्सी के साथ।